श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे श्री कृष्णा के प्रिय भोगों में से एक भोग ये भी है, धनिये की पंजीरी, जिसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं शालिनी, ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी से। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। तो मैंने एक दिन पहले ही धनिये को धुल के, खड़े धनिये को, और सुखा के पीस लिया था। 2 कप धनिया मैंने लिया था, धुल के सुखा लिया था। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, नारियल है, काजू है, मखाने हैं, और किशमिश है, और चिरौंजी है। उन्हें घी डाल के मैं थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर ले रही हूँ, थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक। ये देखिए हल्के हल्के लाल हो गए हैं, तो मैंने निकाल लिया। और अभी मखाने डाल के थोड़े से तल लेते हैं, क्रंची होने तक थोड़ा। ये देखिए इस तरह से जब टूट के ऐसे चूर चूर होने लगे, बस यहीं तक हमें चाहिए, थोड़े क्रंची हो जाए। तो इसी पैन में चिरौंजी और ये किशमिश डाल के और थोड़ा सा चला लेते हैं। बस इसे भूनना नहीं है, गैस अभी बंद कर लेते हैं, क्योंकि पैन गर्म है तो उसमें ये सही से हो जाएंगे हल्के से रोस्ट। और सेम पैन में ये सब निकालने के बाद 2 चम्मच, बड़े चम्मच मैंने घी लिया है उसमें, शायद शूट करना भूल गए हैं, कैमरा ऑन नहीं था मेरा। और ये देखिए महीन सा मैंने ये पाउडर कर लिया था धनिया को, तो ये उसी में डाल देते हैं घी में। और इसको लो टू मीडियम हीट पे, फ्लेम पे करके और इसको भून लेना है हमें। तो इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। और अभी देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है, पर फिर भी चलाना है क्योंकि पैन गरम है और इसमें शक्कर डालनी है, तो ये गरम में नहीं डालनी है। इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लें या पंखे के नीचे रख लें। इसमें डालेंगे तो शक्कर मेल्ट हो सकती है, तो इसलिए अभी ठंडा करना है हमें इसे पूरी तरह से। तो ये करीब करीब ठंडा हो चुका है, गैस पे है, बट ये फ्लेम जो है वो बंद है मेरा, तो ये ठंडा हो चुका है। ये देखिए कलर पास से देखिए कितना प्यारा आया है, गोल्डन कलर। तो इसी तरह से बनाना है। और ये देखिए 1 कप शक्कर मैंने पीस ली थी, पर ये हम 2 चीज़ों के लिए पीसे हैं, तो इसलिए इसमें 4 भर भर के टेबल स्पून मैंने इसमें से पीसी शक्कर डाली है। ये आप अपने हिसाब से इसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं शक्कर को, तो ये डाली। और हाँ, इसमें मैंने इलायची पाउडर भी पीस लिया था शक्कर में, तो आप अलग से डालें या साथ में ही पीस लें, कोई नहीं। तो ये इसको मिला लेते हैं, क्योंकि पीसने पे छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स जैसे बन जाते हैं शक्कर में, तो उसको ऐसे दबा के थोड़ा मिला लें। और ये सारे ड्राई फ्रूट जो भून के रखे थे उसे भी मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पंजीरी भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, कहीं इसे सूखा ही भुना जाता है धनिये को, और कहीं घी में भूनते हैं। तो तैयार है हमारे कृष्णा का भोग, धनिये की पंजीरी, और लास्ट में इसमें कृष्णा का पसंदीदा ये श्यामा तुलसी डाल के और कृष्णा जी को भोग लगाते हैं इसे। तो ये देखिए, तो इस बार बनाइए श्री कृष्णा के लिए ये धनिये की पंजीरी, और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।